आपके जरिए अपनी मजलूमियत की आवाज़ को पाकिस्तान के आवाम तक पहुँचाएँ, बखबर करें और मुख्तलिफ हलकों तक पहुँचाएँ कि उनकी मार के नीचे क्या कुछ हो रहा है। पाकिस्तान के कुछ एरिया बहुत स्ट्रेटजिक है, गिलगित बल्तिस्तान बहुत स्ट्रेटजिक है, बलूचिस्तान और फिर ग्वादर और ये इलाके बहुत स्ट्रेटजिक हैं। इसी तरह से कोरम एजेंसी और पारा चिनार बहुत स्ट्रेटजिक इलाका है, बड़ी अहमियत का इलाका है, यहाँ से काबुल बहुत नज़दीक है, इसके तीन तरफ अफगानिस्तान है, बीच में पाकिस्तान है। दुश्मन की ये कोशिश है कि पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक इलाकों को डिस्टेबलाइज किया जाए, वहां पर हालात खराब किए जाए ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। अब जानते हैं कि जीबी के लोग इस वक्त सरापा एहतजाज हैं क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया है और वहां सब्सिडी के मसाइल है, लोगों को खाने पीने की चीजें यूनाइटेड नेशन के जो कानून है उसके मुताबिक मिलनी चाहिए क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया है वो, लेकिन वहां के लोगों की जमीनों पर कब्जा होता है, वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया मुनासिब, लोग महरूमियत के शिकार हैं और उसके बाद जो उनका हक है कानूनी वो भी उनसे छीना जा रहा है, मरकज छीन रहा है, सुबह को बर्फलाइज कर रहा है, वहां के लोग सरापा से जाकर आवाज सुनने को भी तैयार नहीं है। यानी इंतहाई हसास इलाका, वहां पर जान बूझ कर अदम इत्मीनान पैदा किया जा रहा है, लोगों के अंदर गुस्सा पैदा किया जा रहा है, वहां के पढ़े लिखे लोगों को मायूस करने की कोशिश की जा रही है, जो मुद्दतों से एक ही तकाजा रखते हैं कि हमें आईनी हुकूक दिए जाए, हमें पाकिस्तानी शनाख्त दी जाए। उस दौर में जब बहुत से लोग पाकिस्तान से जुदा होने की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, वहां के अवाम की अक्सरियत कानूनी हक मांगती है, हमें आईनी हक दिया जाए, हमें आईनी शनाख्त दी जाए, नहीं दी जाती, ठुकरा दिया जाता और उसके बदले में फिर सजा मिलती है उनको, नामनी की सजा, लाशों के तोहफे, कत्लों का घरी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोजगार के मसायल है, मुश्किल है, कानून के मुताबिक जो उनके हकूक बनते हैं डिस्प्यूटेड एरिया के वो भी सॉल्व कर दिए गए, डेमोग्राफी चेंज हो रही है वहां पर जो कश्मीर में नहीं हो रही, ये सारा कुछ कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता, अकलमंद मुहिब वतन पाकिस्तानी या नासमझ पाकिस्तानी है या दुश्मन है पाकिस्तान है, वो ये काम कर रहा है। इसी तरह से आपके सामने ये हमारी बेटियां हमारे बहने बाहर बैठी हैं जो बलूचिस्तान से सफर करके आई हैं, सारे इलाके में पाकिस्तान के अवाम ने उनका इस्तकबाल किया, उन्हें इज्जत दी है, नबी करीम सल्लम बात पहुंचती है तो फिर उन्हें मारा पीटा जाता है, बेटियों को बच्चियों को, कोई हमारी बहनों की जगह पर है, कोई हमारी बेटियों की जगह पर है, कोई बच्चियां हमारी पोतियों और नवासियों की जगह पर, पाया तक पहुंचते ही जुल्म बर्बरीत शुरू हो जाती है, दरिंदों की तरह पर दौड़ पड़ते हैं मारने वाले, ये क्या पैगाम जा रहा है, किस वतन में माओ बेटियों का कोई एहतराम नहीं है, हम तो मशरकी लोग हैं, हमारी मशरकी तहजीब है जिसमें दुश्मन की खवातीन का भी एहतराम होता है, फिर इस्लाम, अल्लाह के नबी ने जब जंगें हुई तो क्या कहा, जो अपने फौजियों को और सिपाहियों को वसीयत थी उनमें से एक क्या था कि खवातीन और बच्चों पर जुल्म न करना, ज्यादती न करना मुमकिन है, उनके जो जवान मारे गए आपको बुरा भला नहीं कहे, लेकिन खवातीन का एहतराम करना, उनके बच्चों का एहतराम करना, उनको नुकसान ना पहुंचाना, गुस्से में आकर उनके मारना पीटना नहीं, गैर मुसलमानों की नीयत आई है। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है खुतबे जिहाद के अंदर के सुफियान अहमदी अबू गामिद से कहते हैं उसके जो मेरे शाम का ये फौजी कमांडर था, ये मौला अली की हुकूमत के सरहदी इलाकों में दाखिल हुआ
और उसने वहां पर घरों को लूटा, मुसलमान औरतों के पांव से पाजेब उतारे और गैर मुस्लिम यहूदियों के ख्वातीन के भी उतारे। तो मौलवी कहते हैं अगर कोई ये सुनकर मर जाए ना ताज्जुब ना करना, यानी ये जुल्म कि ना मुस्लिम गैर मुस्लिम औरतों के पांव से पाजेब उतारे गए, लिबास नहीं पाजेब उतारे गए, उन्हें नंगा नहीं किया पाजेब से उतारे गए, क्योंकि सुन के मर गए मां कहना भी मलूमन, उसे मलामत नहीं करे, बल्कि हक यही है कि ऐसी बेगैरती की खबर सुनकर अगर इंसान मर जाए तो अफसोस नहीं करना चाहिए। हक कैसे हो जाना चाहिए इंसानों को, गैरत और नामूस के मसायल इस कदर अहम है इस्लाम के अंदर और कुरान के अंदर, पर हमारे सुन्नत पैगंबर गिरामी कदर में, लिहाजा इनको मारा गया था, सबने देखा बच्चों इन्हें तो मोहब्बत से सीने से लगाना चाहिए था, क्या रखना चाहिए था ताकि वहां के लोगों का गुस्सा कम किया जाए, ये तो गुस्सा बढ़ाने वाली बातें नहीं की, ये कोई अकलमंद हुक्मरान नहीं करेगा, ये समझदार हुक्मरान नहीं करेगा, दिल रखने वाला इंसान नहीं करेगा, ये जो भी हरकत है इसका नतीजा पाकिस्तान के खिलाफ है, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, ये कोई दुश्मन नहीं कर सकता है, आम आदमी नहीं कर सकता है कि अपने आवाम के ऊपर गुस्सा दिलाओ कैसे, उनकी औरतों को मारो उनके घरों में घुसो, ये कहां था पाकिस्तान के अंदर, ये कहां है मिश्र की तहसीब के अंदर, कहां ये इस्लाम और दीन और कुरान के अंदर, बहुत अहम मसला है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस स्ट्रेटजिक इलाके के लोगों को गुस्सा दिलाया जा रहा है, जो पाकिस्तान के दुश्मन चाहते हैं वही पाकिस्तान के साथ, जो इंडिया चाहता है, जो अमेरिका चाहता है, जो इसराइल चाहता है, वही पाकिस्तान के साथ हो, चीजें दुरुस्त नहीं है। कब तक पाकिस्तान के अवाम का सब्र का इम्तिहान लेंगे आप, हम इसकी मजम्मत करते हैं क्योंकि हदीस है मन रख दिया बेफेल कौम इन फाइनो मिन हम, जो इस मारपीट के ऊपर जो इस तरह के पाकिस्तान के साथ नफरतें पैदा करने वाले काम जो हो रहे हैं, लाकानूनीयत है आईन के खिलाफ कानून के खिलाफ जो कुछ हो रहा है और लोगों के गुस्से में इजाफा कर रहा है, ये दुरुस्त नहीं है। जो लोग भी जुल्म पर राजी होते हैं वो उन्हीं में से होते हैं जो लाले में, इसकी मजम्मत करते हैं, मजम्मत भी छोटा लफ्ज है इस बेशर्मी और बेहयाई के ऊपर।